जिसमें मैं फर्स्ट टाइम नहीं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ और मेरे जितने भी दोस्त है यहाँ पे सब फर्स्ट टाइम है। अभी टेम्परेचर है 33, पता नहीं कितना टाइम लगेगा यहाँ से। टेरेस फार्मिंग सुना है, ये कैब के अलावा और कैब भी है यहाँ पे, आई मीन इन उमरांसू 3 किलो में भी है। और बताया कुछ लोग उमरांसू का, उन्होंने बताया कि यहाँ पे और भी हैं कैब, लेकिन मोस्ट ऑफ द कैब आर टिल डेट अनएक्सप्लोर्ड है। और अगर एक्सप्लोर्ड हुआ भी है तो सब लोग को पता नहीं है कि महासव में यहाँ पे कैब है, दिमागों में कैब है, किसी को पता नहीं है। वाटरफॉल का बारे में तो बहुत सुना है दिमागों में और है भी बहुत। जब आप ट्रैकिंग पे जा रहे हो ना तो सबसे ज़रूरी होता है पानी, क्योंकि हमको रहना है हाइड्रेटेड, है कि नहीं। ब्लॉगर बनने का एक डिसएडवांटेज क्या है पता है? रास्ता भूल जाना, हमेशा पीछा रहता है। कोई बात नहीं, फोटो का आवाज़ तो सुन रहा है। ऑलमोस्ट 60 मिनट्स हो गया। लगता है हम लोग पहुंच गया है। उफ्स, आफ्टर 60 मिनट्स पहुंच गया हम लोग फाइनली। ये रहा कैब, आपको लगता है ये कैब? बिल्कुल नहीं भाई, कैब जो है ना ये इस पे जोरी एक्साइटेड है। हेलो पेमी, एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड। मैन वर्सेस वाइल्ड, एकदम भगरा से। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था यहाँ पे आने के लिए। कल मेरे एक दोस्त ने फ़ोन किया था, बोला कि चलो उमरांसू पे कैब है, वहाँ पे जाके सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए बोला था। तो आज संडे भी था इसलिए आ गए हम लोग। सीना देख रहे हो आप, अगर कैब पे कभी आना है तो मेन थिंग आप लोग को लेके आना है कुछ नाइफ या कुछ शार्प चीज जो है ना, वो सब लेके आइए, टॉर्च कैंडल। एक्चुअली ये है गुफा, लेकिन हम लोग इस तरफ नहीं जा रहे बिकॉज यहाँ पे बहुत स्टीप है। सो वी आर हेडिंग दिस वे, इस तरफ जा रहे हैं हम लोग।
चला लेता हूँ मैं। बहुत ही बड़ा है। कभी सोचा है विमानों में कैब होगा? मेघालय में तो बहुत कैब सुना होगा ना, देखो कितना दूर है वो। तो मेरे से 50 मीटर्स दूर में चमकादार बोर्ड है। चमकादार चमकादार यहाँ पे एक कैंडल जलाया मैंने। मैं इसको फोटो चिपका दूंगा, यू कैन सी माय फोटो। क्या है? अगर किसी को पता है ये क्या चीज़ है तो कमेंट सेक्शन में बता दो। अरे वाह, ये क्या चीज़ है? डायमंड जैसा चमक रहा है। शाइन ब्राइट लाइक अ डायमंड। जरूर आना यहाँ पे। पहुँचने वाला है हम लोग। पूरा 2 घंटा बिता रहा इधर गुफा में, बहुत मज़ा है। 2 घंटा कैसे चला गया पता ही नहीं चला। उफ, बाहर आए तो बहुत गर्मी लग रहा है अभी। दोस्त लोग तो पहले ही निकल चुका है, हम लोग वीडियो के चक्कर में थोड़ा लेट हो गया। वो देखो लेंग जो लेंग जो या। बहुत है ना मुझे। ये था सुरंग, लेकिन हम लोग एंट्री किया इस तरफ से, क्योंकि इस तरफ ना बहुत स्टीप है, आपको जाम मारना पड़ेगा। उसमें आपको एक्सीडेंट भी हो सकता है, आपका नी ये सब फ्रैक्चर हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या किया, वो जो है ना इस तरफ से गया है। थोड़ा मड्डी है लेकिन प्रॉब्लम नहीं। सी बहुत मड्डी है। सही, मेरा जूता का हालत बेंच नहीं है, मड्डी है। फाइनली हम लोग यहाँ से निकलने वाला है, बहुत टाइम गुजर ले यहाँ पे। तो अभी हम लोग लंच करेंगे। कुछ सामान लेके आया था, फॉर्क खाने का सामान और बहुत कुछ है। अभी टाइम हो गया है 4 बजे है। बहुत ही मज़ा। मैं चाहती हूँ कि सब लोग भी विजिट करें वहाँ पे, बहुत मज़ा आया सच्ची में। खाना खाने के लिए रेडी कर रहा है, सब्जी ऐसे बना रहा है।
आज का हमारा गाइड डोंगजेन राजी से है। डोंगजेन राजी में नदी भी है। हम भी नौ मिनट से six now. If you are using Jio, then internet बहुत फास्ट है वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लाइव भी कर सकता है, मैंने ट्राई तो नहीं किया, लेकिन यू कैन ट्राई इट। मेरे हिसाब से नेट बहुत फास्ट है वहाँ पे। If you like my video, like, share and subscribe.